सागर के शासकीय कन्या महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में अब छात्राओं को ड्रेस कोड के बिना कॉलेज जाना महंगा सबक साबित होगा। जब बिना ड्रेस कोड के कॉलेज पहुंचने वाली छात्रा को अनुशासन समिति कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और यूनिफॉर्म में ना होने से उन्हें कॉलेज प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह नियम सभी छात्राओं पर लागू होगा, जिसको लेकर अनुशासन समिति ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और सभी छात्राएं कॉलेज प्रशासनिक गाइडलाइन के अनुरूप तय ड्रेस कोड के नियम का पालन करें इसकी कवायद शुरू कर दी है। इस क्रम में आदेश का परिपालन और होस्ट को लेकर अनुशासन समिति सदस्यों ने कॉलेज की छात्राओं का सहारा लिया। एनएसएस की छात्राओं के साथ मिलकर अनुशासन समिति के सदस्यों ने मोर्चा संभालते हुए कॉलेज के प्रवेश द्वार पर औचक चेकिंग अभियान चलाया और बिना ड्रेस कोड के भद्दे और रंग बिरंगे परिधान पहनकर कॉलेज परिसर पहुंचने वाली छात्राओं पर शिकंजा कसते हुए नसीहत और समझाइश देकर उन्हें कॉलेज के बाहर का रास्ता दिखाया। जहां अचानक कॉलेज प्रशासन की तरफ से हुई औपचारिक कार्रवाई से कई छात्राएं सकते में पड़ गई और कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलने के बिना अध्ययन के ही उनके कॉलेज के प्रवेश द्वार से घर लौटना पड़ा। इस कार्रवाई को लेकर अनुशासन समिति का अपना ही तर्क, उनका कहना है। अदम न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर सरिता जी, ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है क्या है? हमारे महाविद्यालय में एक ड्रेस कोड है, वो जो बच्चियां फॉलो नहीं कर रही है और ऐसे कपड़े पहनकर आती है जिससे हमारे महाविद्यालय का नाम धूमिल होता है। तो हमारे प्राचार्य और हम लोग अनुशासन समिति में हम लोग का यही सोचना है कि महाविद्यालय में जो ड्रेस कोड दिया गया है तो बच्चियाँ उसी कपड़ों में उसकी ड्रेस महाविद्यालय। हाँ, पहले से हम लोग जब से एडमिशन करा रहे हैं तभी से बच्चों को सूचित कर रहे हैं, क्लास में सूचित किया है, कई जगह पर नोट ये लगाया कि आप यूनिफॉर्म में आए और जब बच्चियों ने आना तब भी नहीं आ रही है तब हम लोग उनको गेट पर आना पड़ा कि बच्चियों को रोकें और उनको अनुशासन में रखते हुए उनको यूनिफॉर्म में आने के लिए। पिंक कुर्ता है, कोटी है और ग्रे सलवार। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि बच्चियां कपड़े जो ड्रेस पहनकर आती हैं, कई बच्चियां जो है महाविद्यालय में ऐसी ड्रेस पहनकर आती कि हमारे महाविद्यालय हम लोग को अच्छा नहीं लगता है इस प्रकार की। और जो लड़कों के लिए जो हम लोग पिंक कुर्ता दिए हुए हैं, मतलब ये ड्रेस कोड के अंतर्गत, तो उसमें इनको कोटी भी है, वो दुपट्टे का काम करती है। शालीनता से महाविद्यालय छात्राएँ आए, यही उद्देश्य। ये कवायद कब तक जारी है? ये हम लोग जब तक बच्चियाँ अनुशासन में नहीं आ जाती हैं, यूनिफॉर्म में महाविद्यालय बच्चियाँ नहीं आती हैं, तब तक नहीं जारी है। हम लोग तो इसको बहुत ही सही मानते हैं क्योंकि जो लड़कियाँ हैं वो एकता में रहती हैं, जो भी बड़े घर से आते हैं, छोटे घर से आते हैं, तो यहाँ पर सभी को संभालने का मिलता है, तो इसलिए जो हमारे